दोस्तों, आज बाजार में मोबाइल कंपनियों का नाम आते ही सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कंपनियों का ही तस्वीर उभर कर सामने आती है, जिनमें सोनी, ओप्पो, वीवो और वन प्लस तक का नाम शामिल है। लेकिन बाजार में इन चाइनीज कंपनियों की मोनोवली की वजह से ही आज भारत में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल हुआ यह है कि फेमस कंपनी वीवो ने भारत में इस बार इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि देश में उसके खिलाफ बड़ी एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी, और जब मामला सामने आया तो वीवो के बड़े अधिकारियों ने देश छोड़ दिया और वह भारत से भाग गए। ऐसे में लगातार वीवो पर जांच शुरू है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या है। तो सबसे पहले उस मामले पर नजर डालते हैं जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। असल में इन चाइनीज कंपनियों ने भारत के मोबाइल बाजार में बहुत बड़े हिस्से को कब्जा कर रखा था, और इसी के चलते वीवो जैसी कंपनी ने फर्जी काम करना शुरू कर दिया। अब ये फर्जी काम इतना फर्जी है कि अगर आप इसके शिकार हुए तो आप पर बहुत बड़े अपराधी होने का थप्पा भी लग सकता है। असल में चीन की कंपनी वीवो 13,000 से अधिक मोबाइल फोन एक ही IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंडस्ट्री नंबर से बेच रहा था। अब यह हम आपको बता दें कि ये घटना इतनी बड़ी है कि ये भारत की बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। असल में अगर एक जैसी IMEI वाले मोबाइल से कोई अपराध होता है तो अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे, हम आपको बताते हैं, मामले को शुरू से समझते हैं। तो मेरठ के पुलिस स्टेशन में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के पास वीवो कंपनी का मोबाइल था। वो मोबाइल की स्क्रीन टूटने पर सितंबर 2019 में उसने अपने फोन को पास के एक वीवो सेंटर में दे दिया। सर्विस सेंटर में बैटरी, स्क्रीन और FM बदल कर उन्हें वापस दे दिया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद ही मोबाइल स्क्रीन में एरर आने लगा। थोड़ी और जांच हुई तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए सब इंस्पेक्टर ने इस बात को आगे के अधिकारियों से कहा और ये बताया कि जो IMEI नंबर उसके मोबाइल के नंबर पर लिखा है वो उसके मोबाइल का असली IMEI नंबर नहीं है। ऐसे में उन्हें शक हुआ कि सर्विस सेंटर वालों ने ऐसा किया होगा। इसके बाद मामला मेरठ के साइबर क्राइम सेल तक पहुंचा, और जब जांच हुई तो जनवरी 2020 को सर्विस सेंटर के मैनेजर ने कहा कि उसकी तरफ से IMEI नंबर नहीं बदला गया है। इसके बाद साइबर क्राइम सेल ने मोबाइल में जियो का सिम लगे होने के कारण जियो टेलीकॉम कंपनी को सिम की जानकारी देकर IMEI नंबर का डेटा मांगा, जिसके बाद जियो टेलीकॉम ने जो रिपोर्ट दी उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल सितंबर 2019 से ही इसी IMEI नंबर से करीब 13,557 फोन चल रहे थे। अब यह हम आपको IMEI नंबर बार बार कहकर कंफ्यूज कर दिया है। तो आइए पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये IMEI होता क्या है। तो दोस्तों, हर मोबाइल में 15 अंकों का IMEI नंबर दिया जाता है जो उस मोबाइल की पहचान होता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंडस्ट्री है। ये नंबर बेहद खास होता है क्योंकि इसमें कई तरह की जानकारियां छुपी होती हैं, जैसे मोबाइल का मॉडल कौन सा है, इसको कहां पर मैन्युफैक्चर किया गया है। इसीलिए आज देश में बिना IMEI नंबर वाले फोन का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस IMEI नंबर की इतनी अहमियत क्यों है। तो आपको बता दें कि ये खास तरह की नंबर मोबाइल की लोकेशन को बताता है। इसकी मदद से ये जाना जा सकता है कि मोबाइल को इस्तेमाल करने वाला मोबाइल यूजर कहां पर है। इसके अलावा फोन चोरी या गुम होने की सिचुएशन में भी इसी नंबर की मदद से उस फोन का पता लगाया जाता है, और FIR में भी यही नंबर लिखवाते हैं। आमतौर पर यह नंबर मोबाइल के बैटरी पर लिखा होता है। तो कुल मिलाकर आखिर इस नंबर को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि IMEI नंबर से अपराधियों को पकड़ा जा सके। 15 अंकों वाले IMEI नंबर में कई बातें शामिल होती हैं, जैसे इसकी शुरुआती 8 अंक बताते हैं कि इस मॉडल को कहां बनाया गया है। इसके बाद इसके 6 अंकों में डिवाइस से जुड़ी जानकारी शामिल होती है,
और आखिरी अंक को मोबाइल के सॉफ्टवेयर के वर्जन के तौर पर बताया जाता है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक ही IMEI नंबर को 1000 फोन में होने से कोई एक इंसान कोई जुर्म करता है और हो सकता है कि कोई दूसरा उसके नाम पर पकड़ा जाए। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वीवो ने ऐसा क्यों किया, तो आपको बता दें कि वीवो ने ये इसलिए किया क्योंकि मार्केट डाउन होने की वजह से भारत में उसका कारोबार खराब हो रहा था। ऐसे में उन्होंने 13,000 मोबाइल अगर एक ही IMEI नंबर से बनाए तो उन्हें सिर्फ एक फोन पर ही भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को मिलने वाला टैक्स भी यही नंबर डिसाइड करता है कि जो कि फोन के प्रोडक्शन यूनिट पर डिपेंड करता है। वीवो ने कितने रुपए बचा लिए होंगे, और ये तो सिर्फ एक नंबर की कहानी है। बाकी हो सकता है कि वीवो ने ऐसे कई नंबर के साथ किया हो। अब आप शायद समझ पाए होंगे कि कितनी बड़ी धोखाधड़ी थी। अभी वीवो यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने एक और ऐसा ही कांड किया जिसने फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में वीवो पर सरकार की नजर बन गई थी, इसीलिए पिछले दिनों जब वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का आरोप लगा तो इस मामले में सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट मामले की मंत्रालय की भी शिकायत भी सामने आई। असल में हुआ यह कि वीवो ने पिछले दिनों हुई अपनी कंपनी के फायदे में से आधा फायदा फर्जी चाइनीज कंपनियों के मदद से चीन भेज दिया, और भेजे हुए पैसों को भी उन्होंने घाटे की तौर पर बता दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सरकार को अपने टोटल फायदे का आधा टैक्स ही भारत को देना पड़ता, लेकिन कंपनी पर आईडी की नजरों ने पकड़ लिया, मगर कंपनी के अधिकारियों ने देश छोड़कर भाग निकले। इस पूरे मामले में आईडी के साथ साथ CBI पहले से ही जांच कर रही थी। रिपोर्ट की माने तो वीवो ने भारत में हजारों करोड़ रुपए का धोखाधड़ी की है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ये चाइनीज कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपना कर देश की सुरक्षा को ताक पर रख रही है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यह वीडियो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के पास शेयर कर दें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।